आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस लखनऊ की धरती पर आप लोग अपनी लड़ाई को लड़ने आए हैं, और मैं मानता हूँ कि आप लोग अपने समाज की इस मुद्दे को लेकर के बहुत ही गंभीर हैं, इसलिए आप लखनऊ आए हैं, तो सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप लोग हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि अपने नाम पर जोरदार ताली आप लोग बजाइए। दूसरा, देखिए, मैं फुलन क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और निषाद समाज से मैं आता हूं, और ये जो आरक्षण की लड़ाई है साहब, ये आपकी अकेले की नहीं है। हमारा समाज भी 18% की आबादी में उत्तर प्रदेश में रहता है, और हमारे समाज के लोगों ने आरक्षण के आंदोलन को लेकर के कसरवल में एक कांड हुआ, लोग इकट्ठा होकर के धरना दिए और लाखों लोग, हजारों लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, और हम लोग के समाज का एक लड़का वहां मारा गया। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ये बात कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, और योगी जी उस धरने में गए और जाकर के कहा कि निषाद समाज के लोगों, घबराओ मत, हम सरकार में जाएंगे तो तुमको तुम्हारा आरक्षण दे देंगे। लेकिन आज 10 साल से बीजेपी की सरकार यहाँ चल रही है और 15 साल से केंद्र में चल रही है, लेकिन हमारे समाज को आरक्षण देने की जगह उनका मुकदमा तक वापस नहीं किया गया। तो ऐ समाज के लोगों, ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है साहब, ये लड़ाई हमारी भी है, और इसीलिए मैंने डॉक्टर रूप साहब के साथ कहा कि आपका भी दर्द है साहब, हमारा भी दर्द समान है, इसलिए दोनों भाई मिल करके इस आरक्षण की लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं कहता हूं कि 20-22% आप लोगों की आबादी है साहब, और 18% हमारे समाज की आबादी है, और बीएल वर्मा जी हैं उनके समाज की भी 12% आबादी है। अगर ये 3-4 समाज को मिलाया जाए तो 50% टोट होता है साहब। हम लोग सब लोग इकट्ठा करके धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो इनको सरकार से हटा करके और गोरखपुर भेजने का काम हम लोग करने वाले हैं, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। दूसरी, आरक्षण क्या है साहब, आप मुसलमानों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम लोग हिंदू समाज से हैं साहब, हम लोग के समाज में तो एक बिरादरी है, उसको 3000 साल से पढ़ने का आरक्षण था। अगर कोई दूसरी जाति, जो अति पिछड़ी जाति हम लोग के समाज में है, अगर वो लोग वेद सुन लेते थे तो शीशा पिघला के उनके कान में डाल दिया जाता था। आप हमको बताओ, 3000 साल एक जाति को आरक्षण था, और उसी आरक्षण की देन थी कि आज के डेट में आप देखोगे तो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास की नौकरी में सबसे ज्यादा वो बिरादरी है। आप देखोगे तो सबसे ज्यादा डीएम उनकी बिरादरी के हैं, आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ठेकेदार, सबसे ज्यादा जज, सबसे ज्यादा प्रोफेसर उनकी बिरादरी से हैं। ये आरक्षण नहीं है तो क्या है साहब? लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको आरक्षण की लड़ाई लड़नी है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से नेताओं ने आंदोलन किया। और इसी प्रदेश में आप मुसलमान भाई लड़ते हो, गांव में कहा जाता है रैली में चलना है, सभा में लोग चलना है, तो लोग कहते हैं कि साहब बड़ा गड़बड़ है, इस सरकार निगाह जमा के रखी है। लेकिन इसी प्रदेश में एक नेता हुए माननीय कांशीराम साहब, और कांशीराम साहब आज से 40 साल पहले मैं भी गांव में जाकर के हम लोगों से अपने मिलते हैं, लोग कहते थे कि कांशीराम जब जाते थे मीटिंग करने के लिए साहब, तो हमारे यहाँ गाजीपुर में कांशीराम साहब के लोगों को 20 लोगों को काट करके नदी में फेंक दिया गया ताकि उनका नेता ना आए। प्रदेश में कहीं भी हो जाते थे तो कहते कि कांशीराम की बात को नहीं सुनना है, इसलिए कि सुन लेंगे तो हत्या करा दिए जाएंगे। ऐ समाज के लोगों, इतना डरा हुआ सहमा हुआ समाज भी अपनी लड़ाई को लड़ा, और कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि वोट से लेंगे PM CM और आरक्षण से लेंगे SPTM। तो मैं तो आपको एक कहना चाहता हूं कि उन्होंने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ करके एक लड़ाई नहीं, सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि सत्ता की भी लड़ाई लड़ी, और सत्ता में गए तो इसी आरक्षण को उन्होंने मजबूती से इंप्लीमेंट किया, और 2-3 काम किया पूरी बिरादरी के लिए। पहला काम किया, आज आप किसी को, आपको कोई भी मार देता है इसलिए कि कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है साहब, लेकिन आज दलितों को कोई जोर से दलित कह देगा तो उसके ऊपर 100 एक्ट लगेगा, 6 महीना के लिए जेल में जाएगा।
उन्होंने अपने समाज के लोगों के लिए किया कि उनकी जमीनों को लोग मार करके छीन लेते थे, उसको खत्म करने के लिए कानून बनाया 24BA, जिसके तहत दलित की जमीन दलित ही ले सकता है, दूसरा बिरादर नहीं ले सकता है। तो उन्होंने ऐसा काम किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दलित समाज आज सशक्त हुआ तो कांशीराम की वजह से हुआ। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके बीच में भी एक नेता है डॉक्टर रवि अंसारी, जिस हिंदुस्तान में कोई माइकल लाल पैदा नहीं है जो इनको पैसा देकर के खरीद दे। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हो साहब, सही दिशा में लड़ रहे हो, घबराओ मत, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरी एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, आप लोग ये मत समझिएगा साहब कि ये कम संख्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारा देश गुलाम था तो देश की आबादी 34 करोड़ थी, पूरे देश के लोग लड़ने नहीं गए थे साहब, 5,32,000 लोगों ने मन बनाया तो देश को आजादी मिली। अगर आप लोग मन बना लेते हो और जाके समाज को समझाते हो तो आपको भी आरक्षण मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, इसलिए कि आप लोग अपने नेता को सुनने आए हैं और मैं भी सुनना चाहता हूं, मैं पूरा समय अपने नेताओं को देना चाहता हूं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक शायरी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं, कौन कहता है भगत सिंह पैदा नहीं होते, पैदा तो होते हैं साथी पर नाम बदल जाते हैं, पर नाम बदल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।